नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बोध, डायरेक्टर एंड गुरुचीफ हरियाणा। साथियों, आज अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था, हमने एक पूजा बेटी का इंटरव्यू चलाया था। तो यहाँ एक और बेटी हमारी अनुराधा है, और अनुराधा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 सितंबर 2001 है, और हैंडबॉल में नेशनल लेवल की प्लेयर रही है, अचीवर रही है। आज अनुराधा से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मैं मैडम से चाहूँगा एक बार हमारी साथी से एक बार दिखाएंगे, नहीं घर की हालत दिखाएंगे। बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे, जिसको बीपीएल कहते हैं उससे भी नीचे ये परिवार गुजर बसर करता है। ये भाई राजवीर जी हैं, इनके पिताजी हैं अनु के, और इन भाई पैरालाइजिस के पेशेंट हैं, मरीज हैं, और इनके पास में दो बेटी और एक बेटा है। अनुराधा सबसे बड़ी है। तो अनुराधा के लिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से किस प्रकार का सहयोग मिला, ये आज हम जानना चाहेंगे अनुराधा से। अनु कैसे बेटे? ठीक हो सर। अनु, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी फैमिली का वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर। तो बेटा, आपने किस में गोल्ड मेडल अचीव किया है? मैं स्कूली गेम नेशनल में 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ओके। वहाँ पर सर मेरी सेकंड पोजीशन रही थी। फिर ऐसे ही फिर मैंने लगातार 3 बार मैं नेशनल खेली, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड पोजीशन मेरी, एक बार पार्टिसिपेट था। और फिर मैं उस 2020 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ का कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही मैं, और इंटर यूनिवर्सिटी में हिमाचल खेलने गई। हाँ जी, ये मेरी उपलब्धियाँ रही। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया। बड़े कितने मेडल मिले अभी तक आपको? मेरे को नेशनल में 2 मेडल मिले हैं, और स्टेट लेवल पे हर बार फर्स्ट पोजीशन मेरे रही है, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे तभी जाती हूँ जब कैंप मुझे यहाँ से तो एक लड़की को मेरे को लेके के जाते हैं यहाँ से। तो कहाँ कहाँ पे खेले आप? मैं बेंगलोर खेली थी नेशनल, तो और शिवपुरी में जो हुए थे गेम, और दिल्ली हुए थे, और मध्य प्रदेश में हुए थे। तो बेटा, यहाँ से पिछली योजना में विक्रम सिंह विधायक रहे, उन्होंने क्या योगदान दिया? सर, अभी तक किसी ने कोई योगदान नहीं दिया है। गेम खेल के आते हैं, घर पे आके फिर दोबारा प्रैक्टिस पे लग जाते हैं। अभी तक तो कोई विधायक, कोई किसी की ओर से कोई हेल्प नहीं आई। तो अभी आप लोगों ने सुना, सुनीता को भी सुना, राजवीर को भी सुना, मजदूरी दिहाड़ी करके या जेठ देवर कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दे 200-400 की, तो ये बच्ची अपना प्रैक्टिस करने जाती है, और अभी बीए सेकंड ईयर में ये स्टडी कर रही है। तो जितने एनजीओज भारत में काम कर रहे हैं, युवा एकता टीम, नीरज रामपाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो इन बच्चियों का थोड़ी सी भाई अपने एनजीओ की तरफ से आप मदद करें, और ऐसा ना हो कि एक ही उड़ते हुए पंछी के माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास अठावले जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बढ़ती हुई उभरती हुई प्रतिभा की तरफ ध्यान दे, और आप भी अपने मंत्रालय से इस बच्ची को जितना योगदान कर सके उतना योगदान कीजिएगा। तो अनु बेटा, हमें हमारी पूरी टीम आपके साथ है 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे हैं। तने बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना तने, और तू आगे बढ़ती रहे, हम तेरे साथ था। 2024 में तने डीएसपी लाऊंगा, मियो मेरा काम है, तन्नर पूछो ने, चिंता मत कर, बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सारा भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा। तो ये देश का मैं दुर्भाग्य कहूंगा इसको, और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो ये नारे दे रही है, स्लोगन लिख रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये निरर्थक है, केवल एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये बेटी एक ऐसी समाज की बेटी है, कोली समाज से, चमार जाति से बिलोंग करती है, जो नेता लोग ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, अब तो सब भारतीय एक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल है। 9 देशों में मुझे साथी वॉच आउट कर रहे हैं। ये बेटी का एक घर है रहने के लिए, मैं साथी चाहूंगा एक बार दिखाएंगे, अंदर अंदर आएंगे प्लीज। ये अनुराधा को जो इसके ट्रॉफी वगैरह जो मिली हुई है ये रखी हुई है। एक यहाँ बेडरूम है, 2 बहन 1 भाई है,
पिताजी बिल्कुल पैरालाइजिस है, ये काम करने में सक्षम नहीं है, और आर्थिक हालत जो परिवार की है, यहाँ के सिटिंग जो एमएलए है, एक्स एमएलए है, कांग्रेसी लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, इनेलो वाले हैं, और अभय चौटाला जी का भी मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। भाई आप तो खेल प्रकोष्ठ के मंत्री रहे हैं और युवाओं की तरफ आप ध्यान करते हैं, तो मेरी आपसे भी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इन लोगों में हमारी आस्था है, और इसलिए आस्था है कि क्योंकि आप त्याग करते हैं इस बच्ची का आर्थिक उदारीकरण, और इसके परिवार की तरफ थोड़ी सी कोशिश करें। मैं धन्यवाद करता हूं लांबा साहब का भी, जो लांबा साहब मैम के बाद में यहां पहुंचे, हार्दिक धन्यवाद करता हूं, ऐसे पत्रकारों की देश को आवश्यकता है। राजवीर भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, घूम फिर ले है, वैसे घूम फिर लेता है। अच्छा अच्छा, तो कोई मंत्री संत्री कोई नहीं आया यहाँ पे? विधायक विधायक पार्षद पुरसद चेयरमैन वगैरह कोई नहीं? अनु वो यहाँ के विधायक विधायक कोई नहीं, किसी का कोई गांव के सरपंच का इंद्रजीत का सरपंच जी आए थे एक दिन, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गए, बोल रहे कि आपका जो शौचालय के लिए पैसा और करेंगे, और आपको बीपीएल कार्ड के लिए आगे एप्लीकेशन भेजिए तो वो बनवाएंगे। अच्छा, पर उनको बीपीएल तू क्या बनवाओ? बीपीएल तो आप पे बन जाएगा डाल, वो क्या बीपीएल बनवाओगे? तो आए थे वो यही बोल। मैडम क्या नाम आपका? सुनीता जी। सुनीता जी कहाँ से हो आप? गादरा से। तो बिटिया ये चार चांद ला रही है खेल कूद में, कैसा महसूस होता है आपको? महसूस भाड़ा के लिए बस उनके लिए अपन कद खेलो में जाती है, मेरे को भाड़ा का पैसा भी नहीं देते है जी, जब अपनी बेटी को भेजती हूँ डांगा डोर रहा का अपना दूध दाल बेच कर जी गुजारा कर रही हूँ, कि मिलाऊँगी डासनी कर लेती हूँ जी, वो दिहाड़ी आती हो जाती हूँ जी।